कृपा क्या है कि श्रीन च कृपालुना परम करुणा के सागर भगवान शिव ने ही गणेश जी का कर्तव्य बुलाया। एक कथा सुनाएंगे आप। नारद जी आश्चर्यचकित हो गए, शनि देव से उड़ गया ठीक है, अपने से आ गए ठीक है, लेकिन भगवान शिव ने अपने पुत्र के गर्दन उड़ा दी। आप ध्यान से कथा सुन। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए आप धन्य हैं, आपका यही स्वरूप धर्म की रक्षा करता है। कल जो आप संवाद सुन रहे थे कि पिपलाद पत्नी पद्मा ने जो श्राप दे दिया था, उस श्राप की निवृत्ति इसी स्वरूप से जब बैठ के आप भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, ये बहुत बड़ा यज्ञ है। राधे 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 श्याम गौरी शंकर सीतारा। एक बार एक घटना हुई, पार्वती मैया जया विजया के साथ स्नान कर महल के भीतर कैलाश भोलेनाथ सत्स वहां चले गए। सहेलियों के साथ पार्वती जी थी इसलिए उन्हें सरबंदगी हुई, बाद में भोलेनाथ भी चले आए, पति हैं सामान्य बात। तो जया विजया ने माता जी को ऐसे शर्माते देख के कहा, मां एक बात बताओ। कहा क्या? इस कैलाश पे सब कुछ है, सब आपका ही, लेकिन जितने भी गण हैं हमारे सेवक हैं सब हर हर मत करने वाले हैं, कोई मामा करने वाला नहीं, मैया कहे न, है ना। इसलिए ऐसी घटना हो, कोई ऐसा विश्वास पात्र हो जो आपकी आज्ञा का शत प्रतिशत पालन करे, ऐसा होना चाहिए, नहीं तो ऐसी घटना हो। मैं जानता हूं आप में शिव में कोई भेद नहीं है, लेकिन आपको आज बड़े मैंने देखा शर्मिंदगी, ठीक ऐसा होना चाहिए। और ऐसा कह के पार्वती मैया ने ऐसे गर्दन पे ऐसे हाथ दिया, तो थोड़ा पते उतरी सफाई से रहने वाली माता जी के शरीर से थोड़ा मल मैला, हमको लगता है उपटन जो लगा रही थी जया विजया वो कुछ रह गया हो आगे। ऐसे ऐसे माता जी ऐसे गोल करने लगी, ऐसे करी एक आकृति बना दी, कहा पुत्र भव तू मेरा पुत्र हो गया। बहुत सुंदर एक उसके से पुत्र उत्पन्न हो गए। कहा तू मेरा लाडला है, पुत्र है। कहा माता जी मैं क्या करूं? कहा पहले वरदान ले लो, तुम में अजीय शक्ति प्राप्त हो जाए, कोई तुम पर जय प्राप्त नहीं, सब हार जाएंगे तुमसे, अतुलित बलधाम हो जा। बहुत अच्छी बात, करना क्या है? काहे डंडा ले लो मेरे द्वार पर खड़ा, कोई आए तो मेरी आज्ञा के बिना भीतर नहीं है। बहुत अच्छी बात, गणेश डंडा ले गेट पर खड़े हो गए। देखिए फिर वही स्थिति, ये दूसरे दिन की घटना है। महादेव धड़फड़ाया गया जाने के लिए, डंडा लगा दिया, रुकिए भगवान भोलेनाथ बाबा कैलाश पर अपने घर में एक कौन सा नया प्रहरी आ गया जो ये डंडा लगा दिया। कौन हो तुम? कहा माता जी का पुत्र। कौन माता जी? अरे आप नहीं जानते इतने बड़े हो गए, माता जी कौन है? पार्वती मैया। कहा मैं शिव हूं। हेलो कौन सी? भगवान शिव क्या बोलते? पीछे से नंदी भृंगी श्रृंगी सब आ रहे, क्या इसको समझाओ कौन है? गुरु ने कहा महाराज मैंने तो देखा नहीं इसे, आए भगवान हटके थोड़े खड़े हो गए। शिव कौन है तू? कहा मैं हूं माता जी का सेवक पुत्र। कौन माता जी? माता जी भीतर है पार्वती मैया, आड़ो यहां से कितनी भगवान सिवा रहे हैं। कहा मैं नहीं जानता कि रुको मैं पूछ के आता हूं। तो पूछना क्या है?
भगवान के शिव के गण वैसे ही बलवान, एक धक्का दिया गणेश को, गणेश गिर गए। अच्छा तुम धक्का दिया, वो डंडा उठाया अपना, एक डंडा, अब जो आप उसको एक डंडा देने लगे सब उलट के गिरने लगे, तो महाराज उड़ान क्षेत्र हो गया। भगवान शिव की पिटाई हो रही है और डंडा भी ऐसा अद्भुत कि एक बार जिसको लग जाए तो 6 महीना तक होश नहीं हो। तो देवताओं की फौज आ गई, ब्रह्मा आ गए, भगवान विष्णु आ गए, इंद्र आ गए, भगवान शिव गंभीर होके खड़े हैं, सब जा रहे हैं पिट के वापिस आ। भगवान नारायण जब पिट गए तो महादेव की उपाय करोगे, वो अजीश भगवान नारायण का रुकी, भगवान ने त्रिशूल उठाया, जब तक हा हा हो तब तक त्रिशूल चला, गणेश जी का गर्दन करके उड़ गया, हाहाकार हो गया, भीतर आवाज गई क्योंकि जब तक गर्दन कट रही थी, एक बार उनके मुंह से बड़ी जोर से कहा, मां ये मां शब्द माता जी के कान में, क्या हुआ है बिजया, गणेश की आवाज, चलो दौड़ के आई, देखी मेरे पुत्र का सिर कटा हुआ है, भगवान शिव क्षोभ में खड़े हैं, सारे देवगण उलट पुलट के, कोई खड़ा हो रहा है, कोई लेट रहा है। अब तो जगदम्बा बड़ी क्रोध में आई, आंख से अंगारे निकलने लगे, भयंकर रूप हो गया, रोने लगी, ये आपने क्या कर दिया, एक बच्चे को मार दिया, ये किसने किया ऐसा, सारे देवता कर्तक का अपने लिए, मैं अभी सृष्टि का विनाश शारल है। सबने कहा हे माँ, हे करुणामयी, हे दुर्गा मैया, शांत हुई शांत हुई। माँ कही मैं तब शांत हूं कि जब मेरे बेटे का जीवन प्राप्त हो, इसने क्या अपराध। और फिर वही कथा हुई जो इससे पूर्व आप सुन चुके हैं अन्य कल्प में, कि एक गज का सिर लाया और भगवान गणेश गजानन बोले गजानन भगवान की, सारे देवता गजानन को वरदान दिए, गणपति बनाए, गणाध्यक्ष बनाए, और वो विघ्न हर्ता विघ्न कर्ता की उपाधि उन्हें दी गई। अब गणेश जी आ गए, बड़े प्यार से रह रहे हैं गणेश और कार्तिकेय। आज का कथा प्रसंग धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, थोड़ा विलंब करें, आज भी झांकी है और उसमें भगवान आशुतोष ऑर्डर रानी महादेव जगत के कल्याण के लिए त्रिपुर का नाश करेंगे, जिसके कारण उनका नाम त्रिपुरारी, तब तक बीच में थोड़ी गणेश जी की लीला। श्री राम जय राम जय जय राम, राधे 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 श्याम, श्री राम जय राम जय जय राम, गौरी शंकर सीता। बहुत सुंदर सुंदर लीला करते हैं हमारे यहाँ, अब हेमंत सिंह गाते हैं कि बहुत प्रसिद्ध गाना, बरज गुत देखल तोर अंगना, ए गौरी तोर अंगना, बर आप बजाइए ना, हम भी थोड़ा गाने तो की उठा सुने, बर आज गुत देखल, बर आज गुत देखल, गणपति तुम्हें गणपति एक छ
आइए आगे बढ़ते हैं। भगवान गणपति कार्तिकेय बड़े आनंद में है, लेकिन बड़े एक दिन